राधे राधे गुरु जी। हाँ बेटा, आपके दर्शन हो गए, मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। मतलब मैं खुद को भूल जाऊँ, ऐसे आप हैं, इतने सुंदर हैं। गुरु जी मेरा प्रश्न है, पत्ता पत्ता ईश्वर की कृपा से चलता है। आज मैं यहाँ हूँ, आप हैं, इतने लोग हैं, सब ईश्वर की कृपा से आए हैं, उनकी इच्छा से आए हैं। हर चीज़ ईश्वर की इच्छा से होती है, आपने कहा है। अगर सब ईश्वर की इच्छा से ही हो रहा है, ये मैं भी मानता हूँ, तो क्यों ना ईश्वर ऐसा कर दें कि सबको सद्बुद्धि दे दें, सबको अच्छी बुद्धि दे दें, जिससे सब अच्छे कर्म करें और परम लोक को प्राप्त हो, में पाप ही ना हो वे धरती पे, गरीबी अमीरी पाप पुण्य जन्म मरण सब सबसे मुक्ति मिल जाए। ऐसा क्यों नहीं करते भगवान? भगवान तो चाहते हैं कि सबकी मुक्ति हो जाए। भगवान ने तो सबको मुक्त करने के लिए ही संसार में भेजा है। भगवान कभी नहीं चाहते कि मेरे भक्तों का पतन हो, पर व्यक्ति संसार में उलझ जाता है। अब भगवान थोड़ी कहते हैं कि तुम चोरी करो, भगवान थोड़ी कहते हैं कि तुम विषय वासना में उलझी रहो, पर आदमी उस उलझा है, बात बात में गुस्सा। भगवान ने थोड़ी कहा कि तुम इतना क्रोध करो, भगवान ने क्रोध बनाया है व्यवस्था के लिए, लेकिन आदमी उसका दुरुपयोग कर रहा है जी। भगवान ने काम बनाया है संतान उत्पत्ति के लिए, लेकिन उस काम का आदमी दिन रात उपयोग कर रहा है, भोगी बना पड़ा है जी। तो ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है, सब व्यवस्थित बनाया, लेकिन आज का आदमी है कि उसका दुरुपयोग करता है जी। तो भगवान ने कभी नहीं कहा कि तुम क्रोध करो जरूरत से। हाँ, क्रोध करना चाहिए जहां जरूरत है वहां जी। काम ना होगा तो सृष्टि उत्पन्न ना होगी, तो जहां उचित है वहां सही है, अनुचित नहीं जी। बस जब हम मनमानी करने लगते हैं तो संसार के कुचक्र में उलझ जाते हैं। भगवान ने कभी नहीं कहा कि तुम उलझे रहो, इसलिए तो सत्संग है, इसलिए भगवान ने ऋषि मुनियों को भेजे, जाओ जरा इन भटके हुए प्राणियों को भक्ति का दीपक दिखा कर आओ, ताकि ये सही रास्ते पर आ जाएं। तो मीरा आई, नामदेव आए, नरसी जी आए, रस खान आए, रैदास आए, सूरदास आए, कबीरदास आए, आज उन्होंने हमें आपके नगर में भेजा कि जाओ जरा भक्ति कन्हे दीपक जला के दिखा के आओ। तो हमें भेजा, हमारे बाद भी कोई आएगा। भगवान तो भेजते चले आते हैं, भेजते हैं कि भाई आप सुधरो, सही रास्ते पर चलो, लेकिन जो सही रास्ते पर चलेगा उसका तो मोक्ष हो जाएगा, गलत चलेगा तो जन्म मृत्यु में उलझा रहेगा। इसलिए कहते हैं कि सही गलत का हमें ज्ञान है। आप मेरे सामने शराब रखो और दूध रखो तो मुझे तो पता है ना कि शराब गलत है जी। फिर भी मैं शराब पीऊं तो फिर उसके बाद जो कष्ट होगा तो वो उसका जिम्मेदार तो मैं ही रहूंगा। इसलिए भगवान जिम्मेदार नहीं है। आपके पास सही गलत की समझ है, आप क्यों सही रास्ते पर नहीं चलते? आप यदि सही रास्ते पर चलें, सदा भगवान का स्मरण बनाकर सृष्टि का काम करें, काम कूप करिए, पैसा कमाओ, जिम्मेदारियां पूरी करो, पर मालिक बनकर नहीं, मैं भगवान का दास हूं इस भाव से काम करो, तो जिंदगी भी सवर जाएगी, लोक भी सवर जाएगा, परलोक भी सवर जाएगा जी। गुरु जी वन मोर क्वेश्चन, कर्म और भाग्य। लोग कहते हैं हम कर्म करते हैं ना, हम ईश्वर को मानते हैं, हम अपना कर्म कर रहे हैं वही पूजा है, ईश्वर को मानने से कुछ नहीं होता। मतलब कर्म कर रहे हैं तो ईश्वर हमें वहाँ पे तार देगा, और वो ईश्वर का नाम ही नहीं लेते। और एक व्यक्ति वो है जो कर्म भी करता है और ईश्वर का नाम भी लेता है, चाहे भले ही वो कम सक्सेसफुल हो, जो सिर्फ कर्म कर रहा है वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहा है। तो ऐसा क्या करें जिससे हमारा कर्म भी चलता रहे और ईश्वर की भक्ति भी हो जाए? कर्म, भगवान कहते हैं गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तू कर्म कर जी। पर कर्म तो करना चाहिए, पर कर्म कैसा हो? धर्म की कसौटी पर कसा हुआ हो जी। कसाई गाय को मारता है तो कसाई गाय को काटने का क्या कर रहा है? वो भी कर्म है। तो जो लोग कहते हैं कि कर्म ही पूजा है, तो क्या कसाई गाय को काट रहा है तो क्या वो भी पूजा है? कसाई बकरे को काट रहा है तो वो भी तो अपना कर्म कर रहा है, तो क्या वो भी पूजा है? शराबी शराब पी रहा है, वो भी कर्म कर रहा है, तो क्या वो भी पूजा है? कर्म ही पूजा है, ये बात अधूरी है। कर्म तो पूजा है, पर वो कर्म पूजा है जो कर्म करने योग्य हैं। वो समाज में दो कर्म होते हैं, एक वो जो अच्छे कर्म
एक वो जो बुरे कर्म, अच्छे कर्म तो करो बुरे कर्म ना करो। अच्छे बुरे में भेद कौन बताएगा? धर्म। इसलिए धर्म का ज्ञान होगा तो आप अच्छे कर्म करोगे। राम को धर्म का ज्ञान था तो उन्होंने सूपनखा को माँ बहन और बेटी की नज़र से देखा। रावण को धर्म का ज्ञान नहीं था इसलिए दूसरे की स्त्री का हरण कर लिया, इसलिए नाश हो गया। तो कर्म ही पूजा है, तो फिर रावण ने भी सीता माँ को चुराया, उसने कहा मैंने भी कर्म कर लिया, तो क्या उसके लिए वो पूजा हो जाएगी? जो कर्म योग्य है करने योग्य वो करो, जो करने योग्य नहीं, जो गलत कर्म है वो पूजा कैसे हो सकते हैं? इसलिए जो लोग कहते हैं कि कर्म ही पूजा है, एक्चुअली उनको आधा ज्ञान है, अधूरा ज्ञान है। अध जल गगरी छलकत जाए। गुरुजी जस्ट वंस, क्या आप आपकी जैसे कथा करने के लिए ब्राह्मण जाति में पैदा होना ही आवश्यक है या किसी भी वर्ण के या जाति के लोग कथा कर सकते हैं? भगवान का नाम और भगवान का गुणगान तो कोई भी कर सकता है जी। भगवान का गुणगान तो रसखान भी करते हैं, भगवान का गुणगान तो शबरी भी करती रहती है बैठी बैठी, केवट भी करते हैं। भगवान का गुणगान करने के लिए जात पात नहीं चाहिए, कोई भी भगवान की भजन गावे और गुणगान करे। पर जो व्यास पीठ में बैठ करके जो अनुष्ठान करने की इजाजत है वह शास्त्रों ने ब्राह्मणों को ही दी है कि आप इस अनुष्ठान को ब्राह्मण से ही कराएं। जैसे यज्ञ हो रहा है, यज्ञ करने वाले ब्राह्मण ही होने चाहिए। यज्ञ करता व्यास पीठ पर बैठ करके व्यास गद्दी की जो मर्यादा है वो ब्राह्मण की ही मर्यादा है। अन्य लोग, भगवान का मीराबाई भी तो गोविंद का गुणगान करती थी, किसने रोका है? वो तो गली गली हरी गुण गाने लगी, गाती थी मीराबाई। तो गुणगान करने के लिए मना नहीं है, अनुष्ठान जो है वो ब्राह्मण का ही दायित्व है, तो वो ब्राह्मण ही करे। तो भगवान से प्यार कोई भी करे, पूजा कोई भी करे, गुणगान कोई भी गाए। आप खूब कथाएं सुनाइए भगवान की, पर जो व्यास गद्दी की मर्यादा है उसके लिए कहा है कि केवल ब्राह्मण। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धि करो। गुरु जी ऐसे तो शूद्र भी अपना काम करता है, फिर लोग उसका परित्याग क्यों कर देते हैं, उससे ऐसे भेदभाव क्यों करते हैं? वो भी तो अपना कार्य कर रहा है। नहीं, हमारे यहाँ भेदभाव कभी नहीं था बेटा जी। शूद्रों से हमारे यहाँ कहाँ भेद है? जब शादी होती है तो मंडप के नीचे पंडित जी भी होते हैं और शूद्रों का भी काम वहां पर होता है कि भाई तुम ये काम करोगे, तुम वो करोगे। जब लड़के का विवाह या लड़की का विवाह होता है तो बताओ विवाहों में सबका योग, कुम्हार का भी तो खड़ा होता है उस विवाह में जी, होता है। लोहार का भी काम होता है, मंडप गड़ाने वाला भी वहां पर होता है। वो मंडप में जो लकड़ी का काम होता है वहां पे लकड़ी का काम करने वाला भी होता है जी। तो ब्राह्मण का ही काम होता, दोना पत्तल के लिए भी काम होता है। तो ब्राह्मण ही बैठा है, ऐसा नहीं। एक लड़की का विवाह तब संपन्न होता है जब चारों वर्णों का हाथ लगता है, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का, चारों के आशीर्वाद से बेटी विदा होती है। आप देख लेना, हमारे देश में कभी भेद नहीं था, ये भेद की राजनीति नेताओं ने कर करके समाज में जातवाद का जहर घोल दिया है। हमारे यहाँ व्यवस्थाओं के लिए जातियाँ थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये केवल व्यवस्था है ना कि भेद है। हम कभी किसी जाति के लोग से भेद नहीं, मैया बैठ जाओ, हम किसी से भेद नहीं करते, कोई भेद नहीं करते। इसलिए क्योंकि बताओ राम जी, क्या शबरी के घर जाने से उन्हें कोई परहेज हुआ जी? नहीं। क्या राम ने शबरी से भेद किया? नहीं। क्या राम ने निषाद राज से भेद किया? जब राम जातवाद पर नहीं उलझते, जब वो भेदभाव छोड़कर सबको गले लगाते हैं, तो हम क्यों जातवाद का जहर पालें? हम भी सबको गले से लगाएं। राह में आए जो दीन दुखी सबको गले से, इंसानों से नफरत करने वाला कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकता जी। इंसानों से नफरत करने वाला कभी श्रेष्ठ नहीं। हाँ, इसलिए हम तो कभी नफरत नहीं करते, हम तो देखो सबके लिए। वृंदावन में भोजन चलता है, कोई भी आए कोई जात नहीं पूछी जाती जी। सब एक साथ बैठ के खाते हैं जी।
वृद्ध माएं रहती हैं वृंदावन में, हम सभी के पांव दबाते हैं। वहां ब्राह्मण माता भी है, क्षत्रिय माता भी है, वैश्य माता भी है, शूद्र माता भी। हमने आज तक किसी माता से जात नहीं पूछी कि तुम्हारी जात क्या है, हमने तो मिटा रखा है भेद। अब जो लोग भेद करते हैं वो अज्ञानी है, तो वो उनका पर्सनल मैटर है। गुरु जी, आपने हम सबको इतना ज्ञान दिया, चार पंक्तियां मैं आपके लिए कहना चाहूंगा। कहो। भरी झोली सदा मेरी, दिया सौगात से ज्यादा, सुनहरे दिन से ज्यादा और सुहानी रात से ज्यादा। मेरे गुरुवर नमन तुमको मैं बारंबार करता हूँ, मेरे गुरुवर नमन तुमको मैं बारंबार करता हूँ। दिया मुझको सदा तुमने मेरी औकात से ज्यादा, दिया मुझको सदा तुमने मेरी औकात से ज्यादा। मेरा मन नहीं कर रहा गुरुजी माइक छोड़ने को, पर और भी लोग हैं। धन्यवाद। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए।